अस्सलामु अलैकुम। तो आज का हमारा प्रोग्राम है जी, गिलगित से अस्तौर रामा लेक जाएंगे हम, और अस्तौर सिटी में ही हम स्टे करेंगे। तो ये सफ़र है जी 122 किलोमीटर है, 3 घंटे 20 मिनट गूगल बता रहा है, ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो सफ़र है वो ऑफ रोड है। तो रास्ते में लैंड स्लाइडिंग, मौसम ख़राब होने की वजह से तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, 4-4.5 घंटे लग सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम अस्तौर जाएँ, रामा लेक देखेंगे और स्टे भी हम अस्तौर में करेंगे। तो निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। ये जी अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हमने होटल से निकल आए, सामान शमान बांध के, नाश्ता अभी नहीं किया, नाश्ता रास्ते में करेंगे, थोड़ा शहर से निकल लें फिर नाश्ता करेंगे। ये एयरपोर्ट रोड पे होटल था जमाल होटल के नाम से, जिसमें हमने नाइट स्टे किया, और अभी हम निकल रहे हैं अस्तौर की जानेब। बस अस्तौर है, फिर दुसाई जानेब है वापसी हमारी, वहाँ से घर की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। हाँ रोड बताया सीधा, अभी यहाँ से जगलोड जी रह गया तकरीबन कुछ 17 किलोमीटर रह गया है। जगलोड से आगे थोड़ा निकलेंगे तो स्टोर करो रास्ता निकलेगा। ये आ गया जी पाक चाइना पारी टनल, यहाँ इस टनल में से गुजरना है, देखो कुछ नज़र आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो बहुत खूबसूरत बनी हुई है, छोटी सी है ये देख, बस थोड़ी सी पहाड़ी से मेरे से निकाली हुई है, ताई खूबसूरत बनी हुई है। ये हम निकल आए, यहाँ से 16-17 किलोमीटर है जगलोट, जगलोट की तरफ हमारा सफ़र रवा दवा। और दहाई खूबसूरत रोड है, जगह तो आपको नज़र आ ही रही है खूबसूरत है, रोड उससे भी खूबसूरत है। ये देख पीछे हम निकले थे, एक बोर्ड आया था तो वहाँ से लिखा था इस्लामाबाद 560 किलोमीटर, एबटाबाद 400 से कुछ ऊपर नीचे 430 था आई थिंक एबटाबाद। हम जी 18 किलोमीटर जगलोट से आगे आए हैं, और आगे यहाँ पे वो रास्ता शायद आपको नज़र आए, वहाँ से मुड़ रहा है अस्तौर की तरफ। तो ये मेरे पीछे वो आपको नज़र आ रहा होगा पहाड़ी, ये है जी नांगा पर्वत,
उसके सामने इतना ही खूबसूरत व्यू आ रहा था, हमने कहा थोड़ा रुकें, थोड़ा आपसे बात करें और आपको बताएं कि ये है जी नांगा पर्वत, हमने इधर जाना नहीं है, हमने यहाँ से लेफ्ट हो जाना है अस्तोर की तरफ, इधर है कहीं और उससे आगे देवसाई जाएंगे, देवसाई से हमारी वापसी स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह एक दो दिन में हम वापस पिंडी। पापा जी पिंडी आ जी। तो हम अपनी मंजिल की तरफ रवान दवान, मंजिल है हमारी अस्तोर, उसके बाद देवसाई, ये अभी आगे रोड आ रहा है, आई थिंक अस्तोर का ही है, लेफ्ट होना है। यो ये यहाँ से हम लेफ्ट होंगे, ये आगे जो सीधा रोड जा रहा है इस्लामाबाद भी जाता है और आगे नांगा पर्वत की तरफ भी जा रहा है, हम होंगे यहाँ से लेफ्ट अस्तोर की जानिब। ये आ गया जी अस्तोर और हम लेफ्ट हो, आ जाओ जी चले हम अस्तोर की जानिब। और तेरी खैर है गेर लान नहीं बजाय कटता, अब तेरी खैर है। ये हम आ गए जी, अब ये सिंगल रोड है लेकिन है कॉर्पोरेट रोड, कोई टेंशन नहीं है आपका। वो जा रहा है जी नीचे, यही रोड जा रहा है, इस पे इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, शायद हम यहाँ आगे से ये जी पुल आया जी, अच्छा बना हुआ है ये भी, नीचे जी दरिया, अच्छा यहाँ जितने दरिया देखे हैं मिट्टी वाला पानी है, शायद रेत है पहाड़ों में तो इस वजह से वो मिक्स जब होती है उसमें वो गंदा हो जाता पानी, वरना पीछे कुमराट वाली साइड में तो इतना साफ पानी था शीशे की तरह। इधर कुछ चौकी है क्या है, बोर्ड लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पुलिस स्टेशन अस्तोर, सही है जिला अस्तोर है जी, डिस्ट्रिक्ट अस्तोर। और रोड कोई नहीं है तो बनाया पुल किस लिए बनाया गया है, वैसे ही शायद होता होगा पुराने दौर में ना, अब भी वो रोड ख़राब हो गया शायद इसे। ओ तेरी खैर है, बड़ा नोकीला पत्थर था, अल्लाह करे छुआ ना हो ट्यूब, सामान तो है हमारे पास पंचर का लेकिन फिर हमें थोड़ा जलील होना पड़ेगा, फुहारी काटनी पड़ेगी, तो हम ले के चले हुए हैं पंचर वगैरह का, पंप वगैरह हमने रखा हुआ है, वो ज़रूरी है, वो किट आप ले लें तो 700-800 रुपये की मिली, बल्कि नहीं 1000-1000 रुपये की लग जाएगी, क्योंकि पंप पंप भी है तो लाख 1000-1000 की मिल जाएगी आपको। अभी जी गांव की आबादी, वो गांव कह रहा हूँ अस्तोर के गांव की आबादी स्टार्ट हो चुकी है, पीछे एक गांव गुजरा है छोटा सा, इसका नाम तो नहीं कहीं लिखा हुआ था लेकिन बहुत खूबसूरत है, लोगों ने जो सब्जियाँ वगैरह लगाई हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सामने पहाड़ सारे मिट्टी के, ये तो साइड इस साइड में जो चट्टान है ये पत्थर के, जो सामने नज़र आ रहा है सारी मिट्टी है उसमें, तो गाँव जहाँ लगते हैं ये देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे अस्तोर के मैदान हम स्टार्ट हो गए, ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं,
इंतहाई खूबसूरत। सतोश शहर से निकल के ऊपर जो एक वादी जाती है, वैली है, जहाँ हमने जाना है, जहाँ से नांगा पर्वत का व्यू भी आता है, वसी और सब मैदान है, झील है, तो वहाँ पे हम रुकेंगे, कैंपिंग करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने खैर की तो वहाँ पर कैंपिंग करेंगे। और अभी जहाँ ठंड महसूस होना स्टार्ट हो गई है, मैंने टी शर्ट पहनी थी गिलगिल से निकले तो वहाँ इतनी नहीं थी, लेकिन जो ये अब गांव स्टार्ट हुए ना स्टोर के, तो ठंड फील होना स्टार्ट हो गया। आगे पहुँचते हैं तो अपर वगैरह पहनते हैं, जैकेट वगैरह, क्योंकि ठंड हो गई अभी, ये ना हो गया ज़्यादा लगे तो तबीयत ही ख़राब हो जाए। सही ठंडी हवा है यहाँ पर, जो आई हैं वादी में जाते जा रहे हैं, ठंड मज़ीद बढ़ते जा रही है। रोड सिंगल ही है लेकिन बहुत अच्छा है, इतना बुरा नहीं। कोई दरमियान में पैच आता है जो फटा होता है वगैरह, तो बाकी तकरीबन ठीक ही होता है। ये खड़े हैं जी उस्मान मद्दीन, उस्मान नवाज साहब जी, पाजी। ये देखें, एक बंदा फिश पकड़ रहा है, यहाँ फिश होती होगी, कुमराड में तो ट्राउट होती है, इधर पता नहीं कौन सी होती है। ये देखें, ये अभी जी पीछे चेक पोस्ट जो थी उस पर हमने एंट्री करवाई है, एंट्री करवा के आगे निकले हैं। अभी ये जो रोड जा रहा है ये बाजार की तरफ, नीचे वो आबादी थी, कुछ छोटा सा गांव था। अभी हम जिस रोड जा रहा है ये सिटी में जाएगा, सिटी से आगे वो एक वैली आती है, नाम नहीं याद आ रहा, आगे जाके पूछते हैं और आपको बताते हैं। वहाँ पे एक नंग पर्वत का व्यू आएगा, वहाँ पे झील भी है, ऊपर से कैंपिंग साइट भी है। कैंप आपके पास नहीं है तो भी मिलेगा, आपके पास है तो लगाने के लिए जगह देंगे आपको, होटल शोटल भी हैं, वहाँ से खाना भी खा सकते हैं। तो ये दिया बाजार शुरू हो गया स्टोर का, पत्तीपुरा मेला हो गया सिटी का। पूरा स्टोर भी शायद स्टोर मेन सिटी नहीं आया, लिखा हुआ है जी पत्ती पूरा स्टोर। वो नाम हमें अजीब लगते हैं कि, लेकिन वो इधर जो बलती जबान है ना उसमें मकामी जबान में होते हैं तो फिर वो हमें अजीब लगते हैं। अब हमारे पंजाब के पंजाबी में जो गांवों के नाम हैं वो ये सुने तो इनको अजीब लगे, हमें लगता है। चलिए बाजार से निकलते हैं, ए मैं पूछ ना ले हैं, यहां से पूछते हैं ओए उस वैली का, एवं ना चलते रहे। ऊपर एक वैली है जहाँ से वो झील भी है और नागा पर्वत का व्यू भी आता है, और कैंप शैम्प भी लगा सकते हैं। ऊपर को वैली है, एक नाम नहीं याद आ रहा उसका, नागा पर्वत, नागा पर्वत का व्यू भी आता है और झील भी है वहाँ पे। ये जी हम तकरीबन 20 मिनट ऊपर चढ़े हैं, रामा लेक की तरफ हम जा रहे हैं। और ये अभी मेरे को टॉप पे जाएंगे तो आगे सामने आएगी, ये बड़े से ढके पहाड़ आप देख सकते हैं। ओए ओए
और इतनी ठंड है, अब ऊपर जाके मैं जैकेट पहनूंगा, बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ तक बर्दाश्त करते हैं। ये देखें जी, ना कर मस्ती ना कर, चढ़ जा, हूँ तो चढ़ गया। पीछे वो लगता है बारिश हुई थी ना, कीचड़ बना, वहाँ से बड़ा स्लिप हुआ बाइक, जोर लगवा लगा के ना उसने भी कहा आखिर कर दिया है। बहुत चढ़ाई थी, वो बिल्कुल सीधी सीधी चढ़ाई थी, और ऊपर से रोड भी ऐसे फटा हुआ था, ऑफ रोड है बना हुआ था, तो बाइक को जरा ना क्या कहते हैं, ओए अब इधर जाना है किधर जाना, ये सामने नजारे देखे जी खूबसूरत। पीछे जो गांव थे बाजार से ऊपर सीधा रोड चढ़ता है, तकरीबन 12 किलोमीटर होगा, जो के रामा लेक की तरफ जाता है, है तो पक्का रोड, लेकिन किसी किसी जगह पर ना वो रोड खराब हुआ है, और बारिश तो फिर इधर जिधर बादल आए तो बारिश तो पक्की होती है, ये तो गारंटी वाली बात है ना, इधर बारिश होनी है। अभी तो बहुत ठंड हो गई है, मुझे तो सर्दी लग रही है, सही टिका के वाले, अभी दिल कर रहा है धूप निकली हो, वो सामने होगी शायद, अरे जिधर भी आजाज हो रहे हैं भाई, देखो कितना खूबसूरत ये जंगल है, इंतहाई ज़बरदस्त। बस एक ही मसला हो रहा है, ठंड लग रही है, जैकेट नहीं पहनी ना, जैकेट पहनते हैं तो फिर इंजॉय होगा मौसम, नहीं तो सर्दी में इंजॉय क्या होना है, सर्दी से कांपते रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत जंगल है, और यहाँ तो रोड भी ठीक है, इस जगह में पीछे जहाँ आबादी थी वहाँ पे झील होटल एंड कहीं पहुँच तो नहीं गए हम, ना कर मस्ती ना कर। ओए 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 ओए, देखें जी नज़ारे देखें आप, बाकी छोड़ें बातें सारी को, चढ़ाइयाँ इधर जो जितनी भी हैं बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, आस्ता आस्ता आए ना फिर और होती है, तो एकदम सीधी आती है, तो बाइक भी कहता है कि औखा है काम, जी देखें जी यहाँ पे हो शायद, क्या कह रहा है, कह रहे हैं जी यहाँ से 4-5 किलोमीटर और आगे है जी,
तो चलते हैं। रामा लेक की तरफ ये देखे कितना खूबसूरत ग्राउंड है, जबरदस्त। देखो जी एंजॉय करो। ये है जी अस्तोर, रामा लेक की तरफ जाता हुआ रास्ता। पीछे होटल वगैरह भी बने हुए हैं। कैंपिंग इधर तो निशान नजर नहीं आ रहा कि कैंपिंग करने की एक बाड़ लगी हुई है। जहाँ तो नहीं ग्राउंड में तो नहीं करने देते होंगे, करनी होगी तो। अभी बारिश हुई है यहाँ पे थोड़ी देर पहले, ऐसा ही लग रहा है कि गीला है बहुत रोड। घास भी बता रही है कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, उसकी वजह से पानी है और ठंड तो अखीर है। ये देखे कीचड़, स्लिप ना मार जाए। इधर है या किधर है? भी रेस लगाएंगे ओ भाई, वैसे चढ़ जाए बड़ी गाल है। ये रेस लगाते हैं यार। कमरान भाई हिम्मत है यार इस बंदे की, कसम से कार बंद हो गई। ठंड है यार, या ठंड है।
ये अल्लाह थोड़ा साफ कर देना सर। अभी जी हम रामा लेक से तकरीबन 10 मिनट के फासले में आगे हैं वो हमसे, और बारिश शुरू हो गई है और हम अपने बैग में से बरसाती भी नहीं लेके आए जिसकी वजह से हम बच सकें। तो अभी यहाँ पे कैंप लगा हुआ था, शायद किसी सिक्योरिटी वाले का था या किसका था, वो हम खोल के हम अंदर बैठ गए। तो अब मौसम अगर साफ होता है तो फिर आगे जाएंगे, नहीं होता तभी जाएंगे। ये देखें जी पहाड़ में बराबर बारिश हो रही है मुसलसल, इसलिए हम ना ड्रोन उड़ सके कुछ भी नहीं, बस ये छोटा सा हमने कचरा मोबाइल से शॉट ले रहे। ये बैग पे नीचे जाएंगे तो वहाँ मौसम साफ, ना ड्रोन ना कुछ, ये मोबाइल से गुजारा कर रहे हैं। अभी हम नीचे जाते हैं क्योंकि ठंड बढ़ रही है और शाम हो रही है, ये कुछ सोने का भी बंदोबस्त करना और खाने का भी, प्यास लग रही है, चाय की तलब हो रही है, पकौड़े खाने का कर रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। दोबारा लेकिन नज़ारा इतना खूबसूरत था, अब सो जाते हैं नीचे, आगे क्या करना है।